हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। तो गाइस, आज हम लोग हैं चूरू के अंदर, और चूरू के अंदर एक फोर्ट है जो कि हमने रात में देख लिया था, लेकिन कुछ नहीं है भाई। वहाँ पे एक दीवार बनी हुई है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो अभी हम आपको वो क्लिप भी दिखा देंगे कैसा है फोर्ट, और उसके बाद में हम चलेंगे यहाँ पर एक शैतानी का जोहड़ करके भी एक जगह है जो कि बता रहे हैं देखने लायक है, तो वो देखेंगे और उसके बाद में हम आगे निकल जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। चूरू के फोर्ट के नाम पर सिर्फ इतना ही है, ये चूरू फोर्ट है, ये दरवाजा है खाली। ये है होटल और ये है चार्जेस, और ये होटल का नाम है, और ये लोकेशन है, ये सर्कल, और ये पास में इंद्रानी गार्डन भी है, और इधर रेलवे स्टेशन है चूरू का आगे। तो दोस्तों, फाइनली हमने चूरू के अंदर है सर्कल के अंदर, और अभी हम लोग चूरू से निकल रहे हैं, और हमारे साथ में पिछले एक हफ्ते से दीपक भाई है। तो दीपक भाई अब यहाँ से निकल रहे हैं सालासर के लिए, और दीपक भाई से विदा लेते हैं। दीपक भाई कर रहे हैं पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं। तो दीपक भाई, अपने YouTube चैनल का नाम बताओ। तो चैनल है जो कि आप देख सकते हो इस तरह से, और ये पूरी भारत की यात्रा करें, तो इनको भी सपोर्ट ज़रूर करें। तो अब दीपक भाई से अलविदा कहने का टाइम आ गया है। काफ़ी अच्छा लगा एक हफ्ते तक टाइम बिता कर हमें, तो चलिए निकलते हैं। वो देखो, दीपक भाई जा रहे हैं, और ये है चूरू सर्किल। ये आप इधर सरदार शेर की तरफ, ये रास्ते से हमें जाना है। ये आप देख सकते हो, ये है शैतानियों का जोड़, और वो वहाँ से सरदार शेर रोड है, और ये इधर रतनगढ़ वाली रोड है। इन दोनों के बीच में है ये शैतानियों का जोड़। फाइनली दोस्तों, देख सकते हो हमारे पीछे है शैतानियों का जोड़, और ये करीब चूरू से अपना 5-6 किलोमीटर दूर है। रतनगढ़ और जो सरदार शेर की हाईवे, उसके बीच में बना हुआ है, तो आप दोनों हाईवे से कहीं भी आ सकते हो। ये इधर सरदार शेर वाली हाईवे है, और इधर रतनगढ़ वाली हाईवे, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, दोनों के बीच में ही बना हुआ है। तो आप सर्च मार के आराम से आ सकते हो, गाड़ी आती है यहाँ तक। और अब आपको दिखाते हैं कैसा है ये। ये है शैतानियों का जोहड़, जो कि कुछ इस प्रकार से लगता है। और ये देख, तो सामने तीन छतरियां बनी है, इधर से सीढ़ी बनी, उधर से सीढ़ी, और ऐसी कैसी इधर भी बनी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और तीन बना यहाँ पे, एक छतरी वो बनी हुई है, और एक उधर भी बनी हुई, एक मैं जिसके अंदर खड़ा हूँ वो बनी हुई है। यानी चारों कोनों के अंदर वो ऐसे ऐसे गुम्बद साए बने हुए, और बीच में दो सीढ़ियाँ बनी हुई है, बीच में छतरी। इसको दोस्तों राजस्थानी भाषा के अंदर आप बावड़ी बोल सकते हैं। ये एक तरह की बावड़ी है जिसको थोड़े से डिज़ाइन के अंदर से बनाया गया है, और किसी सेठ ने बनवाया था, वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। और ये जो यहाँ पर पिलर बने हुए ना, ये मेरे को बहुत ही शानदार लगे थे, और यहाँ पर चारों तरफ बने, एक तरफ मैंने बनवाया, हो सकता है यहाँ से पानी आने का सोर्स हो, क्योंकि जब बारिश का पानी इकट्ठा होता था तो उसी रास्ते से आता था। और ये कुछ यहाँ के नज़ारे हैं जो कि मैंने कैप्चर किए, और मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली ये बावड़ी, जिसको आप देख सकते हो। इसको यहाँ पर जोहड़ बोलते हैं, कहीं पे बावड़ी बोलते हैं, कहीं पे जोड़ बोलते हैं, कहीं पे टांका बोलते हैं। तो ये सब हैं, बाकी अच्छी जगह हैं, आप यहाँ पर आ सकते हो, पिकनिक मना सकते हो। ऐसे कुछ साइड में बैठने वाली जगह भी है यहाँ पर, तो आराम से आइए, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर आने का। दोस्तों, ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है शैतानियों का जोहड़, जो कि बताया जा रहा है कि 1899 और 1900 के बीच में इसको बनाया गया था, और जब 56वां काल चल रहा था उस काल के दौरान इस चीज़ को बनाया गया था, यहाँ के लोगों को पानी की समस्या के लिए राहत मिल सके। उसी तरह यहाँ के एक सेठ थे भगवान दास करके, जो कि यहाँ के बहुत बड़े लकड़ी के व्यापारी थे, तो उन्होंने यहाँ पर ये बनाया था, और आज अच्छी हालत के अंदर ये है। और मुझे चूरू के अंदर ना सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, तो यही चीज़ लगी। बाकी चूरू के अंदर जो किला था ना, वो तो तहस महस हो चुका है, उसके अंदर कुछ नहीं, एक दीवार है। तो उससे अच्छा तो मैं बोला चूरू से जाने से पहले ये चीज़ देख लो, अच्छी चीज़ है। तो आई थिंक आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम निकले पूरे राजस्थान की यात्रा करने के लिए।